नमस्कार, मैं हूँ शारदा जायसवाल। मैं पायल शुक्ला। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने किया बड़ा दावा, कहा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हारेगी बीजेपी। राउत ने कहा कि वे पोस्टल बैलेट में करेंगे घोटाला, उनकी ताकत पोस्टल बैलेट में है, हम सबको रहना होगा सतर्क। आईसीयू में भर्ती होने के दावों का खुद रतन टाटा ने किया खंडन, कहा मैं बिल्कुल हूँ ठीक, गलत सूचना न फैलाए, मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में हाल ही में फैल रही अफवाहों से हूँ अवगत, मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये दावे हैं निराधार। आतंकियों के निशाने पर है देश की राजधानी दिल्ली, त्योहारों पर की जा सकती है माहौल बिगाड़ने की कोशिश, आतंकी हमले को लेकर दिल्ली पुलिस हुई अलर्ट। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का केस लड़ने वाले वकील लियाकत अली के साथ कुछ दबंगों ने की मारपीट, घर के बाहर पिता और बेटे को दबंगों ने जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। किडनैपिंग बलात्कार के आरोपियों से पुलिस और वकील द्वारा वसूली को गंभीर बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नर से विस्तृत रिपोर्ट की तलब। दरअसल मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट के एक वकील और जांच अधिकारियों के खिलाफ जबरन वसूली से लगे थे आरोप। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को दी चुनौती, कहा कि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को निशाना बनाने के बजाय खुद उद्धव ठाकरे उनसे करे मुकाबला। सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे में जनता को संबोधित करने के दौरान दिया यह बयान। महाराष्ट्र के पालघर जिले में समुद्री तट पर एक संदिग्ध नाव मिलने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस ने जारी की एडवाइजरी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और जनता से सतर्क रहने की अपील की। कोस्ट गार्ड फोर्स ने चलाया सर्च कैंपेन। नासिक मुंबई हाईवे पर हुआ भीषण हादसा, ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हुई कंटेनर ने चार कारों को मारी टक्कर, हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से हुए घायल जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई करो का अंडरग्राउंड मेट्रो से सफर करने का सपना आज से हुआ सच, कोलाबा बांद्रा सीब्स मेट्रो 3 का आरएसए बीकेसी सेक्शन आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया, पीएम मोदी ने शनिवार को किया था उद्घाटन। लाडली बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए गुड न्यूज, सीएम एकनाथ शिंदे ने की घोषणा, कहा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले लाडली बहन योजना का अक्टूबर नवंबर महीने का पैसा महिलाओं के खातों में कराया जाएगा जमा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे को लगा बड़ा झटका, डोंबिवली से युवा सेना सचिव दीपेश महात्रे, 7 नगर सेवकों और कई कार्यकर्ताओं के साथ उद्धव ठाकरे गुट में हुए शामिल। प्रवर्तन निदेशालय ने आप पर कसा शिकंजा, संजय अरोड़ा के जालंधर स्थित घर पर की गई छापेमारी, ईडी की छापेमारी के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा आज फिर मोदी जी ने अपने तोता मैना को छोड़ दिया है खुला, कहा पिछले 2 सालों में इन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर पर, संजय सिंह के घर पर और सत्येंद्र जैन के घर पर करवाई छापेमारी, कहा इन्हें नहीं मिला कुछ भी। महंत नरसिंहानंद के द्वारा पैगंबर पर दिए गए विवादित बयान के बाद गरमाया माहौल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक और दिशा निर्देश के जारी, कहा कि किसी भी मजहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी है अस्वीकार। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सोमवार को लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी, कोर्ट ने सभी आरोपियों को 1-1 लाख रुपए के मुचकले के साथ दी जमानत, कोर्ट ने सभी आरोपियों का पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा, मामले में 25 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव पूरे होने के बाद 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजे, इसी के साथ बीजेपी ने किया बड़ा दावा, कहा उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। उत्तर प्रदेश के बरेली से अजीबो गरीब घटना आई सामने, प्लॉट के विवाद में समझौता कराना बरेली पुलिस को पड़ा भारी, दोनों पक्ष के लोगों ने पहले तो पुलिस के साथ की मारपीट और गाली गलौज, फिर पुलिस के ऊपर छोड़ दिया कुत्ता। इस घटना में एक महिला दारोगा और 2 महिला सिपाही हुए जख्मी, मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस बल की मदद से 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक दलित परिवार से की मुलाकात, इस दौरान उन्होंने उनके साथ किचन में बनाया खाना और खाया खाना और जाति भेदभाव जैसे कई मुद्दों पर की चर्चा, राहुल गांधी ने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया शेयर। उत्तर प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान, बीजेपी और सपा ने अपनी तैयारियां की शुरू, यूपी उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुख्यमंत्री आवास पर की बीजेपी कोर कमेटी, जिसमें आगे की रणनीति पर किया गया मंथन, तो वही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जिलेवार पार्टी पदाधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक।
भारत के दौरे पर हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू। इस बीच मुइजू ने पीएम मोदी से की मुलाकात, हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात। इस दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने मालदीव में हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। मुंबई में घर खरीदने का सपना होगा साकार। घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि म्हाडा की मुंबई बोर्ड 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे 2030 घरों के लिए लकी ड्रॉ करने जा रही है घोषित। लकी ड्रॉ घोषित करने के बाद म्हाडा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट housing.mhada.gov.in पर जाकर अपने नाम की देख सकते हैं सूची। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को महाराष्ट्र के इंदापुर से लगा बड़ा झटका। बीजेपी का साथ छोड़ पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल, शरद पवार। महाराष्ट्र के लातूर जिले से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। नदी में तैरने गए दो दोस्तों की डूबने से हुई मौत, परिवार में फंस गया मातम। पंजाब के लुधियाना में हुआ बड़ा हादसा, नवरात्रि जागरण के दौरान टूटा मंच। हादसे में दो लोगों की हुई मौत, वहीं 15 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के कानपुर से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। इजराइल की मशीन से बुजुर्गों को जवान बनाने का झांसा देकर एक दंपति ने शहर के हजारों लोगों को बनाया अपना शिकार। करोड़ों रुपए ठग कर हुए फरार, पुलिस ने दंपति के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू किया गया थी जांच। ईरान ने रविवार देर रात सभी फ्लाइट्स को रद्द करने के अपने फैसले को ले लिया है वापस। सुरक्षा का जायजा लेने के बाद ईरान में उड़ान प्रतिबंध हटा दिए गए। बेरूत हवाई हमले में हसन नसरल्ला के मारे जाने के बाद इसराइल ने हिजबुल्ला को दिया था करारा झटका। नसरल्ला की हत्या से कुछ दिन पहले हिजबुल्ला पर इजरायली खुफिया बलों ने पेजर और वॉकी टॉकी को निशाना बनाकर एक के बाद एक किए हमले, जिसमें 550 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इन 24 न्यूज से, और इन 24 न्यूज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।